हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। नाला बंद है, ये तो बंद करा हुआ है। बाकी आप ये देखें, बकरियां दिखा, 6 से 7 साल जो है ना इसकी एज है। इसका नाम बाकी बताया मत भाई। एक सलेट है भाई, माशाल्लाह यहाँ पर देना मैं सुबह लग दे मारे इधर मेहमान नवाजी हो रही है। बस ये जो है हमारे मंसूर भाई है, इनके यहाँ है। अच्छा मंसूर भाई, जो कोई बच्चा है, ये एक एक बच्चा है और बाकी सारी बकरी है। ओए होए होए होए, ता इस चीज भाई खतरनाक हो रही है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ सारी बकरियां ले लेने का, देंगे एक बकरा मुझे। अच्छा जी जी, अच्छा आप ले जाना, कोई मसला नहीं आपसे। आप हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हसन कुरैशी। तो भाई अहमद भाई आज कहाँ पर आ गए अपन? हम आ गए भाई, आज आ गए टंडो वाला यार आए, और हमारा जो चैनल है उसकी शूटिंग करने के लिए कबूतरों की। अभी पीकेडी बर्ड्स की चैनल जो है उसकी कबूतरों की शूटिंग की है। बाकी जो हमारा चैनल है, खानदानी चैनल जो उसके जो है शूट कर ली। बाकी यहाँ पर पूरा देखें भाई, यहाँ पे बकरियाँ दिखाता हूँ, इधर आए इधर आए इधर बकरियाँ दिखाएंगे अहमद भाई, बकरियाँ दिखाते हैं भाई आपको। बाकी पूरी बर्बरी की ब्लड लाइन जो है ना यहाँ पे बनाई हुई है, ये देखें भाई। ये अबे यार ये नाड़ा वाला क्यों मान रहा है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कौन सा फिकर लोग है भाई? नाड़ा बांधा, ये तो बंद करा हुआ है। बाकी आप ये बकरियाँ दिखा दो इसे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह जो है नजरें बस से बचाए। एक ही ब्लड लाइन और एक ही तरह के रंग देख लें, और सारी बकरियां हैं, सारी की सारी बकरियां हैं। एक बकरा दिख रहा मुझे है? एक बकरा फिर तो मजा आ रहा है, बकरे के मजा, हरियाणा वालों को मजा आ रहा भैया। एक आओ बकरा आओ, हम जो काम करने के लिए आए थे वो आपको दिखाते हैं। तो साथ में मंसूर भाई देखें, जो सेटअप के यहाँ के ओनर है वो आए, मंसूर भाई से भी मुलाकात करवाते हैं। बाकी जो कबूतरों की वीडियो बनाने आए थे टंडो बाजार कराची से, टंडो बाजार यह देखें भाई माशाल्लाह यहाँ पर देना। मंसूर भाई लग दे हमारे इधर मेहमान नवाजी हो रही है। बाकी देखें ये कबूतर जो है लेने के लिए आए यहाँ पर। ये कुछ हमारे ब्रीडिंग सेटअप में जो कमी पड़ रही थी मादियों की, मैंने कहा चलें भाई 8 से 10 मादियाँ जो चाहिए थी ये लेने अलग आए। बाकी जो है एक ये कुछ सेटअप है कबूतरों का, वो जो आप लोगों को दिखाते हैं भाई, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन हसन भाई कबूतर आपके पैर के नीचे मर ना जाए, और आप जो है ना किसी बेजान की जो आप जान ले लें। बात यह है कि भाई ये कबूतर 25 से 30 साल हो गए इस सेटअप को। ये आप सेटअप देख लें, छत देख लें इनकी माशाल्लाह। किसी वक्त जो है ना इनका कहाँ वजह काम आ रहे हैं, सारा पूरी झाड़ू मारने के लिए आए कबूतर उठाने के लिए। तो बहरहाल भाई ये थे अपना तकरीबन 25 से 30 साल हो गए इन कबूतरों को रखे हुए, और ये तब के ही जो है ना कबूतर हैं। और बाकी बहुत पुराने पुराने कबूतर हैं, मैं आपको दिखाता चलूँगा भाई। ये एक कबूतर जो बैठा हुआ है, ये तकरीबन जो है ना 6 से 7 साल जो है ना इसकी एज है। इसका नाम बाकी ये सलेटी कबूतर कहलाते हैं, उदयपन पे आते हैं अपना, ये पुराने इंडियन कबूतरों में आते हैं, और ये बाजरों और बाजरों के अंदर से निकले, ये नहीं सिल्वरों में से कबूतर। ये जो कबूतर एक बैठा हुआ ये मेन कबूतर है, 8-9 साल है इसकी एज है, ये देख लें। तो बहरहाल भाई इंशाअल्लाह जो है ना मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये तो खैर समझ लें हमारा एक दूसरा ही तकरीबन समझ लें चैनल है, जिस पर हसन ने भी काम शुरू किया गोला कबूतरों का, और माशाल्लाह से अच्छा जो है ना काम कर रहा है, हम जो अभी देख रहे हैं। तो बहरहाल जो है इंशाअल्लाह कुछ टाइम अभी बाद जो है ना इनसे हटके जो है उस तरफ भी जो बढ़ेंगे ब्लॉग वगैरह की तरफ। तो बाकी ये थे भाई हसन भाई कबूतर, जहाँ से जो है अभी शुरुआत करनी थी, और ज़रा और भी दिखाएं भाई। अभी कुछ गाँग दिया तो कुछ खा लेते हैं, वो कुछ खा ले पी लेते हैं, फिर उसके बाद तो भाई अभी जो है डीलिंग थोड़ी चल रही है। बाद में अहमद भाई जो है ना बात कर रहे हैं मंसूर भाई से, आपका आवाज आ रही है। बड़े कबूतर तकरीबन 40-50 होंगे, अभी थोड़ा खापा पापा फिर आपको बता देंगे कितने में डील हुई है सारे तकरीबन जी। तो व्यूअर्स ये जो है हमारे मंसूर भाई है, इनके यहाँ आए। अच्छा मंसूर भाई कराची से यहाँ पर आए टंडोल यार, तो ये कितना किलोमीटर है? तकरीबन कहीं टंडोल यार से अगर 300 किलोमीटर। अच्छा 300 के करीब होगा। अच्छा तो आपने यहाँ पर क्या क्या शौक करा हुआ है? किस चीज़ का शौक? कबूतरों का भी है और दूसरी बात है बकरियों का भी है। अच्छा मंसूर भाई थोड़ी बकरियाँ तो दिखाया है, बाकी बकरियाँ दिखाते हैं बस आपको, देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे ऊपर से देख रही है। अच्छा साथ साथ मंसूर भाई मुझे बताएं कि अगर किसी को बकरियाँ चाहिए हो, बकरे सेल नहीं कर रहे? तो भाई ये जो है ना फिंगर लोग ये खोलेंगे मंसूर भाई, मंसूर भाई खोलेंगे फिंगर लोग, हमसे तो खुल नहीं रहा था।
भाई ये बकरियां जो ना एक बकरा ना इसमें एक बकरा मुफ्ती तारिक मसूद का फॉलोवर है। अबे साले तभी सारी रख के बैठा भाई देख रहा है अहमद भाई क्या क्या वादे कर रहे हैं पीछे से। ये देखें भाई मैं तो ये भैया पकड़ लूंगा भाई ये फिंगर बड़ा खतरनाक लगा दिया मंजूर भाई। ये क्यों लगाया? खुलते हैं ना वो घास वगैरह क्या बोलते हैं पोते पोते बन बन सारे खा लेते हैं। अच्छा 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 खा लेते हैं ये पौधे। तो मंसूर भाई अभी दिखाएंगे अभी ये दिखाएंगे। अच्छा इसमें बकरे कितने हैं मंसूर भाई बताइए? ये छोटा अभी दो का बच्चा है ये एक एक बच्चा है और बाकी सारी बकरी है। हाँ दूध देती है माशाल्लाह दूध देती है। थोड़ी दूध वूध पिलाया मैं। हाँ दूध वूध आपको धारवाड़ लगा जी जी है सारी डुक्की बकरियां हैं इसमें दूध तो अभी कम होगा मगर देख लेते हैं तभी भी कोई भाई अभी तो सारों के घर मुझे गब्बन है सारी बना सारी गब्बन है माशाल्लाह दूध अपुर अपुर ये वाला दूध पीला दूध निकाल कोई पकड़े ऐसी बकरी जिसका दूध हो अब मुझे ही पिला दो कुछ मुझे ही पिला दो थोड़ा भाई मुझे दूध पिला रहे ताजा ताजा दूध पी के चस आ गया चस आ गया मत चस आ गई मजा आ गया मंसूर भाई मजा आ गया। अच्छा मंसूर भाई मुझे बताएं कि इनके बच्चे सेल करते हैं आप? नहीं बच्चे सेल नहीं करते हैं क्योंकि कोई होगा दोस्त उसको दे दी भी देंगे कोई मसला। अच्छा मतलब मतलब ऐसा है कि हाँ ये तो ब्रीड तो कम है नाक ब्रीड है लंबी गर्दन वाली ये बकरी मुझे थोड़ी पुरानी लग रही है। हाँ ये बकरियां सारी ये दोनों पुरानी इसके दांत भी नहीं है एक दांत है। अच्छा मंसूर भाई ये इसमें से अगर हमें एक बकरी लेना तो कितने की मिलेगी? सही इसके रेट जो है ना तकरीबन 80,000 से 90,000 रुपए भी है रेट 80 से 90,000 इसमें मुनासिब रेट है। हाँ दो नंबर क्वालिटी लोगे तो इसमें 60,000 रुपए भी है 50,000 रुपए भी है 40,000। अच्छा इसको थोड़ी बाहर निकाले ये एक नंबर क्वालिटी। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह बकरियां देखें किस किस भाई खतरनाक हो रही है मतलब मैं तो बोल रहा हूँ सारी बकरियां ले रहे हैं एक पूरा घर जाएगा पूरा घर नहीं आएगा अभी ले लूँगा। हाँ मंसूर भाई हमें सारी बकरियां अगर आपको देनी है और एक बकरा जो है जी जी तो कितने के देंगे? सही है अली फिलहाल सेल की नहीं है कोई। अच्छा। जी जी सेल मतलब सीजन में आप सेल करेंगे? हाँ सीजन में भी तकरीबन बकरे इधर ही हम रखते हैं शौक के हमारा खुद अपना ये भी कोई आता है दोस्त यार तो उसको हम दे देते हैं बच्चे वगैरह। अच्छा, अच्छा, जी जी वैसे बड़ी बकरे हम नहीं देते। तो व्यूअर्स अगर आपको चाहिए ना तो फिर भी आप कॉन्टेक्ट कर लिएगा इंशाल्लाह आपसे बात कर लेंगे। अगर एक बच्चा अगर चाहिए होगा मुझे खास जी 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 अपने जाती शौक के मुझे कब तक मिल जाएगा बकरा? इसका बकरा तकरीबन ये 3 से 3.5 में लगेंगे ऐसे बच्चे देने में। कितने का देंगे एक बकरा मुझे? अच्छा जी जी बच्चा आप ले जाना कोई मसला नहीं आपसे आप भी हिसाब नहीं करेंगे डील कर रहा हूं ले जाना आपको एक बच्चा चाहिए बस बिल्कुल ले जाना नर जो नर चाहिए माता जी जो आप नर 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 एक बच्चा एक नर हमारा मैं कहां गया जी जी अगली दफा आ गए हैं वो इधर दिखा बकरे के नीचे नहीं वो बल्ब के लिए सुदान। तो भाई ये एक बकरा डन हो गया मंसूर भाई से। वैसे मंसूर भाई यार कोई कांटेक्ट करता है? जी जी एक आधी बकरी तो बेच ही दोगे ना यार? नहीं यार कांटेक्ट बच्चे बेचोगे? जी जी ये भी अहमद भाई को एक दो देंगे साथ तो नहीं वैसे अगर कोई दे देंगे कोई मसला नहीं बच्चे अगर जब भी हमारा बेचने का अमाउंट हुआ ना तो हम दे देंगे अहमद भाई से रब्ता कर देंगे। चले चले दो वर्ष फिर भी आप कॉन्टेक्ट कर लिएगा इनका अमाउंट हुआ तो दे देंगे सारी मतलब सारी बकरी जो है ना बच्चों पर है। हाँ सारी गब्बन है गब्बन हाँ गब्बन बोलते हैं माशाल्लाह भी दूध भी पिया ताज़ा दूध पिया माशाल्लाह मज़ा आ गया। चले तो व्यूअर्स ये थी आज की अपडेट बाकी वीडियो क्यों नहीं आ रही वजह ये है कि अभी लड़ाइयाँ चल रही है उनको पार्टियों ने शौक नहीं करवाया कबूतरों का तकरीबन 3 वीडियो मैंने अनलिस्टेड करी हुई है इसकी वजह से जो ना वीडियो डाल नहीं रख सामने वाली पार्टी शो करवाएगी तो हम भी शो करवा देंगे। ठीक है तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।